नमस्कार साथियों, आज हम बताने वाले हैं स्टैंडी पाउच, जिपर पाउच के बारे में। स्टैंडी और जिपर का पाउच यूज जिसमें हमारा क्या है, रीयूज हो जा रहा है। रीयूज का मतलब है ये कि जैसे कि आपने नॉर्मल पाउच जो हम बनाते हैं, जैसे कि हमने बनाया ये आपके हिसाब से, ये बनाया हमने मसाले का पाउच बनाया, तो इसको जो ग्राहक ले जाएगा तो यूज एंड थ्रो, ये मसाले का पाउच खरीदा और जब ग्राहक ले गया तो ये फाड़ा और फेंक दिया, तो उसका एक कुछ यूज पैसा लग गया। इसमें क्या करना है दोस्तों, अब आपको हम बताने वाले हैं इसको रीयूज कैसे हो सकता है कि आप जो ले जाए उसको इसको बार बार यूज कर ले। तो उसमें सबसे बढ़िया सिस्टम है दोस्तों, ये स्टैंडी और जिपर ले लें, स्टैंडी और जिपर का पाउच। स्टैंडी और जिपर के पाउच में मसालों में अभी बहुत कम लोग आ रहे हैं और उसमें है ना आना ही पड़ेगा। ये स्टैंडी हो गया, स्टैंड हो जाता है, और ये स्टैंड हो गया, ये जिपर लगी हुई है दोस्तों, जिससे क्या होगा कि हमने इसको जो प्रोडक्ट भरा और इसके बाद जो ले जाएगा एंड यूजर वो इसको फेंकेगा नहीं। इसको जो यूज, किसी के पास बर्तन है जो जैसे हॉस्टल में रह रहा है, कोई बाहर रह गया उसके पास नहीं है, तो वो क्या करेगा इसको ले जाएगा, और घर में भी लोग ले गए इसको अच्छे से रखेंगे सजा के और इसको रीयूज करेंगे। जैसे कि हमने हल्दी ली, हल्दी को क्या किया, जो हमने यूज किया हल्दी और ऐसे निकाला या चम्मच स्पून से निकाल लिया, जितना डालना डाल लिया, फिर इसको हम करके टाइट ऐसे बंद कर देते हैं। तो ये क्या है, मॉइस्चर जब तक इसमें नहीं जाएगा तो ये प्रोडक्ट अंदर का खराब नहीं होगा, तो इसलिए हम स्टैंडी और जिपर का यूज करते हैं। तो इसमें आपका बहुत बेनिफिट रहेगा, एक तो क्या है कि आपकी ऐड हो जाएगी, जिपर की कॉस्टिंग कोई ज़्यादा नहीं विशेषता आती, तो आपका रीयूज हो जाएगा, दूसरी ऐड हो जाएगी, आपको फ्री में ऐड मिलने वाली है इसकी, जो रखेगा यूज एंड थ्रो का सिस्टम नहीं कि लिया फाड़ा और फेंक दिया ये काम खत्म हो गया। तो इससे आपका दो बेनिफिट हो जाएंगे, एक तो आपकी ऐड हो गई, एक आपका प्रोडक्ट चला गया, दूसरा ग्राहकों पर चल गया, भाई ऐसा ना इसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो जो बंदा ले जाएगा, जो व्यक्ति ले गया, जो गृहिणी ले जाएंगी, माताएं और बहनें ले जाएंगी, वो कहेंगी भाई हमें यही लाना है, इससे हमें फायदा ये है कि जितना निकालना होगा बाकी टाइट करके रख दिया तो वो काफी दिनों तक इसमें बना रहेगा। तो ये है स्टैंडी के फायदे दोस्तों, मसाले में, खास करके मसाले में आप इसको जरूर उसमें लाएं, इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, व्यापार आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और ये चैनल दोस्तों हमारा अच्छा लगा हो, हमारी बात अच्छी लगी हो, तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो किसी के बारे में और बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बात आपको पूछना हो तो मुझे बेहिचक, मैंने इस पर मेल डाल रखा है, तो उसको लाइव उस पर मेल पर कमेंट्स करें और हमें बताएं कि हम अगली वीडियो किस बारे में बताएं। धन्यवाद।